दबा, अरे दबा सब्सक्राइब को, फिर घंटे को दबा, फिर देख जलवा। तो दोस्तों इस बार की वीडियो है अमेजिंग फैक्ट्स ऑन इंडियन स्पिट्स इन हिंदी। इंडियन स्पिट आप देखते ही बता देंगे कि ये पोमेरियन है, लेकिन नहीं, पोमेरियन और इंडियन स्पिट्स में बहुत अंतर होता है। पोमेरियन एक टॉय ब्रीड है और इंडियन स्पिट उनसे थोड़े बड़े होते हैं, 1.5 से 2.5 इंचेस बड़े होते हैं। लेकिन इनका जो मेन फैमिली ट्री है इंडियन स्पिट्स का, ये बिलोंग है जर्मन स्पिट्स से। मतलब ये कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो वो जर्मन स्पिट्स को भी लेके आए, डॉग्स को। तो क्या हुआ कि जो जर्मन स्पिट्स हैं वो ढंग से रह नहीं पाए, मतलब या तो उन्हें कुछ एलर्जीज होने लगे, बीमार पड़ने लगे, या तो ज़्यादातर मर गए। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्रीडिंग करवाई ब्रिटिशर्स ने। तो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद, ब्रीडिंग के बाद एक ऐसी ब्रीड तैयार हुई जो कि कहते हैं इंडियन स्पिट्स तैयार हुई, क्योंकि इनका कोट ऐसा था जो दोनों सर्दी में भी और गर्मी में बहुत अच्छे से रहता था। तो तभी इंडियन स्पिट्स ओरिजिनेट हुई। बहुत बहुत साल हो गए इन्हें मतलब रिकॉग्नाइज हुए, मतलब 2003 में ये रिकॉग्नाइज हो गए थे एज़ पर कैनल क्लब ऑफ इंडिया। अब ये बता दूं कि आप इसे एक और डॉग के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, आपके ध्यान में कुछ आया, पोमेरियन के साथ आप इसे कंपेयर कर रहे होंगे, ये तो पोमेरियन है। नहीं, दोनों बहुत अलग है ट्रेड्स के मामले में, फंक्शनैलिटी के मामले में। बट इशू का अराइज होता है, मतलब आप इन्हें क्यों कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक सेम फैमिली ट्री से बिलोंग करते हैं, स्पिट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मतलब आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बहुत हाइट का ही होता है। अगर आप डिफरेंस देखा जाए, अगर नॉर्मली अगर आप सामने से देखें तो डिफरेंस हाइट का ही होगा, हाइट का इतना ही होगा कि 1.5 से 2.5 इंचेस के बीच में फ़र्क होगा। जो पोमेरियन है वो टॉय ब्रीड है तो वो छोटी होती है, और इंडियन स्पिट्स थोड़े बड़े होते हैं, और जर्मन स्पिट्स थोड़े इंडियन स्पिट्स और पोमेरियन से भी बड़े होते हैं। अब आ जाए इनकी वेट के बारे में, दोनों मेल फीमेल का, इंडियन स्पिट्स का वेट होता है 5 से 7 kg का। अब वेट की बात हो गई तो अब आएगी हाइट की बात। हाइट कितनी बड़ी होती है, हाइट होती है इनकी 35 से 45 सेंटीमीटर्स के बीच में हाइट होती है। अब आप कहेंगे ये कितने साल तक जीते हैं, ये 10 से 14 साल तक जीते हैं जो एवरेज है इनका। बट कोई कोई क्या होता है, अगर आप ढंग से इनकी केयर करेंगे तो ये 16 साल की उम्र तक भी जी जाते हैं। अब इनके मैं कहूँगा कि कौन से कोट्स में आते हैं, मतलब कलर कौन सा है, एक तो ब्लैक, वाइट और ब्राउन कलर है, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर वाइट कलर है। अब टेम्परमेंट, प्लेफुल, इंटेलिजेंट, वोकल, ये तो बताया, एथलीट होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो इंडियन स्पिट्स के बारे में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल एनिमल चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।